एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाओ को यूहिया के साथ लंच करते हुए दिखाया जाता है और वो मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मैं दिन में तो ठीक रहूंगा लेकिन रात का क्या। तभी यूहिया हाओ को बुलाती है उससे और वो देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि यूहिया एक टॉय टाइप का कुछ उसे दे रही होती है और उससे कह रही होती है कि ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, अब तुम इसे रख सकते हो। तभी हाओ उसका शुक्रिया कर देता है और उससे कहने लगता है कि मेरा शुक्र है कि तुमने वो ज्वेलरी वगैरह तुम इस बार नहीं लेके आई है, वो फालतू की चीज़, और तुम उसे अच्छे से संभाल के रखना, ऐसे ही बाहर मत लेके आया करो ऐसी चीज़ों को। इसकी बात सुनने के बाद वो भी स्माइल मारती है, क्यूट सी, और उससे कहने लगती है हाउ से, हाँ मैंने तुम्हारी बात मानकर अब ज्वेलरी नहीं लेने वाली और वो मैंने वापस से रख दी है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बदले में वह अपना लंच बॉक्स ले जाती है लाहौ के साथ खाने के लिए और हाउ उसके लंच बॉक्स देखने के बाद उससे कहने लगता है, यू है तुम्हें इतना ज़्यादा अटेंटिव नहीं होने की जरूरत नहीं है, हम लोग फ्रेंड्स हैं तो तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं। लेकिन यू है उससे कहने लगती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करना चाहती हूँ, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से रहना चाहती हूँ। तभी हाउ उसे सर पर पैट करने लगता है, हाथ फेरते उससे कहने लगता है, अच्छा ठीक है तुम मुझे फूड खिला सकती हो, अपना बनाया हुआ खाना खिला सकती हो और अपने खिलौने मेरे साथ शेयर कर सकती हो, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि कभी भी ज्वेलरी मत लेकर आना यार, कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ मत लेकर आना, कहने का मतलब ये है। तभी यूए थोड़ा उदास सा चेहरा बनाते हुए हाल से कहने लगती है कि मैं तो बस अपनी काइंडनेस तुमको शो करना चाहती हूँ, क्या इसी कारण से तुम्हारी फैमिली क्या मुझसे नफरत करती है। तभी हाउस की बात सुनने के बाद कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी फैमिली तुमसे नफरत नहीं करती है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, यू है तो वाकई में बहुत ज्यादा लवेबल है, बस तुम्हें कभी कभी कुछ लोगों पर ध्यान देना चाहिए कि तुम क्या इस तरह का व्यवहार कर रही हो कुछ लोगों से, उनका कुछ नहीं कह सकते। तभी यू है उससे कहने लगते कि मैंने कभी भी दूसरों से नहीं निपटा है तो मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता दूसरों के बारे में, और मैंने दूसरों को अनहैप्पी भी कर दिया इसके कारण, ये तुम्हारे लिए बाकी ज्यादा बहुत ज्यादा कठिन होगा मेरे साथ दोस्त बने रहना मेरे। लेकिन हाँ उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे पता है यू है वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत ज्यादा ऑबिडेंट है, वो कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहेगी और मैं तुम्हारा दोस्त बनकर काफी ज्यादा खुश हूँ। ये बात सुनने के बाद यूएजा थोड़ा सोचने लगती है और काफी ज्यादा जोश में आकर हाउस से कहने लगती है, हे जंग हाउ, अगर तुम्हारी फैमिली मेंबर्स मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मुझसे अपने फैमिली मेंबर के चक्कर में नफरत मत करना, मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर से दूर रहूंगी हमेशा ताकि वो कभी भी मुझसे गुस्सा ना हो। ये बात कहने के बाद हाउस से पूछ लगता है कि आखिरकार ऐसा तुम कैसे कह सकती हो, मेरे फैमिली मेंबर्स तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते, वो बस यह चाहते हैं कि मैं अभी इतनी छोटी सी उम्र में प्यार प्यार के चक्कर में ना पड़ूं, अपनी पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान दूं। तभी यू है और हाउ को बताने लगते हैं कि लेकिन तुम्हारी सिस्टर को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सिस्टर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है और वो हमेशा मुझे तुमसे दूर भगाना चाहती है, मतलब घर से दूर भगाना चाहती है तुम्हारे, और मुझे नहीं पता किस तरीके से उसके दिल को जीता जाए ताकि वो मुझसे नफरत ना करे। ये बात सुनने के बाद एक पल के लिए तो हाउ भी सोच में पड़ जाता है और समझ में सोचते हुए कहने लगता है, यूहिया को इनसिक्योर फील क्यों हो रहा है। तभी हाँ वहाँ से उठता है और यूहिया से कहने लगता है कि तुम्हें किसी को भी इतना ज्यादा मनाने की या फिर इतना ज्यादा किसी को खुश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे पता है कि तुम मिन यूहिया हो तो तुम वही रहो तो जो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि तुम एक यूनिक हो, तुम अपनी यूनिकनेस को ना खो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तुम्हें इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना समय लेकर अपना काम करना चाहिए और सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, जैसे तुमने धीरे धीरे करके स्विमिंग सीख ली है वैसे तुम आगे चल के और भी चीजें सीख जाओगी। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है यूएया और गुस्से होते उससे कहने लगती है, हाँ मैंने स्विमिंग सीख ली तो क्यों ना तुम मेरे साथ स्विमिंग करने के लिए चले किसी दिन। ये बात सुनने के बाद हाँ उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो कैसा लगेगा कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूं, थोड़ा किस तरीके से रिवॉर्ड देना चाहिए मुझे, सोचो। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो उससे कहने लगता है कि अगर रिवॉर्ड के तौर पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस छुट्टी पर मतलब संडे के टाइम पर जब हमारा वीकेंड रहेगा छुट्टी रहेगी तब हम घूमने के लिए जाएंगे और खूब मजे करेंगे साथ में मिलकर। ये बात से तो यूहिया भी एग्री हो जाती है और तभी हमें नेक्स्ट वीकेंड पर दिखाया जाता है, यहाँ पर जंग हाउ मार्केट में खड़ा हुआ था तैयार होकर, जैसी सामने यूहिया आती है तो वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि भाई साहब ये देखने के बाद तो कौन शॉक नहीं होगा, तो भाई खुद ही बता लो यार, और भाई उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और मन में सोचते कहने लगता है कि यू है इस तरीके से ड्रेस पहनी है वो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, क्यूट। और हाँ उससे कहने लगता है कि चलो हम लोग चलते हैं अपना अमेजिंग इस संडे और इस दिन को अच्छा बनाने के लिए। और तभी जो यू है होती है वो एक बुक निकाल लेती है जहाँ पर सारी सारी डिटेल्स लिख रही होती है कि आज का दिन किस तरीके से गुजारा जाए और मन में सोचते हुए उससे मतलब पूछने लगता है हाउ काफी सरप्राइज होते हुए, क्या तुमने सच में इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई है पूरा दिन गुजारने के लिए। और तभी यू है उसे रीड करने लगती है और उससे कहने लगती है कि सबसे पहले तो हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं और मैंने सबसे तो बेस्ट जगह देख ली है यहाँ पर हम मूवी देखने वाले हैं और कौन सी मूवी देखने वाले हैं, और कभी तो खुश हो रही होती है इसे एक्सप्लेन करते हुए और उसने उसके लिए टिकट भी खरीद लिए होते हैं। लेकिन हाउ ये सोच देख कर काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम कोई ड्रामा मतलब हिस्टोरिकल ड्रामा वगैरह मुझे दिखाओगी। और यू है उससे कहने लगते हैं कि जो हमारी पहली डेट है तो मैं तुम्हें हैप्पी करना चाहती हूँ, खुश करना चाहती हूँ। और हाँ भी उसकी बात से एग्री हो जाता है और दोनों के दोनों खुशी खुशी वहाँ से चलने लगते हैं और हाउ उससे कहने लगता है कि जो तुम जाओ चुनोगी मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जो तुम्हें पसंद है जिससे तुम्हें खुशी मिलती है तुम वह करो।
ये बात सुनने के बाद यूएया भी उससे कह लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम इतना सोचते हो मेरे बारे में। और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ से उनकी डेट चालू हो जाती है और वह लोग सिनेमा हॉल में पहुंच जाते हैं मूवी देखने के लिए। जब यूएया वहाँ पर देखती है तो वो काफी देर से शौक हो जाती है वहाँ पहुंचने के बाद। इबी हाउ उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतनी देर से शौक क्यों हो, चलो अंदर चलते हैं। और इस वक्त यूएया बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और हाउ से कह रही होती है कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं, क्या हम लोग सच में इतने सारे लोग हमें देखेंगे तो क्या हम सामने खाएंगे तो अच्छा लगता है क्या? तभी हाओ कहता है कि तुम्हें दूसरों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ज्यादा चबा चबा के नहीं खाना, जोर जोर से चपड़ चपड़ करके नहीं खाना, आराम से खाओगे तो किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो इस बात से एग्री भी हो जाती है। खैर इन दोनों की डेट है, कुछ भी कर सकते हैं, हमारा गया। और इसी तरीके से वे लोग मूवी थिएटर में चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। और तभी हाओ उसे ड्रिंक देता है पीने के लिए और उससे पूछने लगता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। तभी यूए उससे कहने लगती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जरा इस पूरे पूरे सिनेमा हॉल को देखो, वो कितना बड़ा है कि यहाँ पर कितने ज्यादा लोग आ सकते हैं वो एक मूवी देखने के लिए। तभी हाओ कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, खैर तुम्हारे पास तो तुम्हारा खुद का प्राइवेट सिनेमा हॉल होगा तो तुम क्यों आने लगी इतना दूर, और इससे भी ज्यादा लग्जीरियस होगा तुम्हारा तो। और दूसरे मन में सोचते कहने लगता है कि जैसे कि मिस्टर वेनान के बारे में बात करता है, मन में सोचते कहने लगता है जैसे कि वेनान के पास खुद का एक प्राइवेट सब कुछ है, प्राइवेट जेट, प्राइवेट भाई सब कुछ प्राइवेट है, कुछ भी बोलो साला तुम सोच लो गाइस क्या क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब यू है उसकी बात सुनते तो उससे कहने लगती है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता अगर ऐसा कुछ होगा तो। दूसरी तरफ दो हाव होता है, वो अपने मोबाइल को चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वेनान का कॉल आने में लगा हुआ होता है। इसको देखकर उसका दिमाग खराब होता है और मन में सोचते कहने लगता है कि यहाँ पर मेरी छुट्टी आज के दिन भी नहीं छोड़ रही है मुझे ये वेनान, और आज भी कॉल करने में लगी हुई है, और उसे बार बार कट कर देता है। और इस तरीके से मोबाइल चलाते हुए यूएया उससे पूछने लगती है, हाओ क्या तुम बिजी हो इस वक्त? और हाओ उसके कॉल को कट कर मन में सोचते कहने लगता है कि आज का दिन मैं किसी और को नहीं देना चाहता, यूएया इस वक्त काफी ज्यादा खुश है और आज के दिन को अच्छी तरीके से इन्जॉय करना चाहती है, तो बेटर रहेगा कि मैं किसी और चीज पर ध्यान ना दूँ। और उससे कहने लगता है, चलो अच्छा है मैं इन पर ध्यान दूँ तो बेटर करेगा, अपन मूवी पे ध्यान देते हैं चलो, और मैं इस वक्त बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ, अपने इस डे को और ज्यादा इन्जॉयबल बनाते हैं अपन मिलकर। और इसी तरीके से उनकी मूवी स्टार्ट हो जाती है और इस वक्त यू है मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और जब वे लोग मूवी देख रहे होते हैं तो हमन में सोचते कहने में लगा होता है, जरा इस लड़कियों को देखो, सबके सब कितने ज्यादा शर्मीले हैं और यहाँ पर लड़के भी कितने ज्यादा शर्मीले हैं, ऐसा लगता है क्या? तभी यू है वहाँ पर अपना मूव करती है और अपने हाथ से हाओ के हाथ को पकड़ लेती है। आगे क्या होगा क्या होगा, इंतजार करो। और जैसे ही यू है उसका हाथ पकड़ती है तो हाओ उससे पूछ लगता है, क्या हुआ तुम्हारी ड्रिंक्स खत्म हो गई क्या? लेकिन यू है का चेहरा टमाटर से लाल पड़ा हुआ होता है और हाओ उसे अपनी ड्रिंक देती है और कहने लगता है कि मुझे पता है यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपकॉर्न्स है तो तुम मेरी ड्रिंक्स पी सकती हो। ये देखने के बाद यू है का और ज्यादा सरप्राइज होता है, बहुत ज्यादा धड़प 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 दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी यू है हाओ के पास आती है और कान में नजदीक आने के बाद उससे कहने लगती है कि मेरी गाइड बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जिस वक्त हम मूवी देख रहे हो तब पॉपकॉर्न खाते समय तुम्हें अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना चाहिए और मिलकर एक साथ ड्रिंक करना चाहिए, एक ही गिलास से कह सकते हो ना, और उसके बाद किस समझ जाए बता दी किसने दे रखी है ऐसी गाइड बुक। और वो एकदम क्यूट सा चेहरा बनाते हैं, उससे कहने लगती है जांग हाओ मुझे तुम्हें किस करना है। ये सुनने के बाद हाओ भी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि तुम इस तरीके की स्ट्रेटजी तुम्हें किसने सिखा दी है, और इस तरीके की फालतू की बुक पढ़ना बंद कर दो तुम, ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवान ने तुम्हें ये सब सिखाया है? तुम उसकी बातों में ना आओ तो तुम बेटर रहेगा, तुम अच्छी हो, इनोसेंस हो, बन के रहो, तुम्हें बिगड़ने की जरूरत नहीं है। तभी यूए उसके नजदीक आते हैं और उससे कहने लगती है, हाओ हमें काफी समय हो चुका है एक दूसरे को किस करे हुए। तभी हाओ भी बहुत ज्यादा शर्मारा होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें उसी व्यक्ति के साथ किस करना चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो, जिसे तुम प्यार करती हो, तुम ऐसे ही किसी के साथ किस विस ना करो, ठीक है? और सिर्फ कपल के करने की चीज है ये, और हस्बैंड और वाइफ करते हैं ये, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है?